आदरणीय जनरल वीके सिंह जी, विभाग के सचिव राजू रंजन जी, एनएचआई डीसीएल और एनएचआई के चेयरमैन सिन्हा जी, मंच पर उपस्थित हमारे विभाग के सभी सम्मान्य अधिकारीगण और उपस्थित भाई और बहनों, एनएचआई डीसीएल का आज 5वां स्थापना समारोह है। मैं सबसे पहले इस 5 साल की यशस्वी जर्नी के लिए चेयरमैन हमारे सेक्रेटरी हैं सिन्हा जी, एमडी हैं, और विशेष रूप से सभी कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्टर, इन सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। एनएचआई डीसीएल की जो स्थापना जब हुई थी, तब मैं सोच रहा था कि उस समय के कितने लोग आज यहां उपस्थित हैं, तो मुझे लगता है कि केवल राजावत और मैं, ये दो सीनियर मोस्ट है, बाकी सब नए लोग आए हैं। शायद बीना जी भी उस समय नहीं थी। एनएचआई डीसीएल की जो स्थापना हुई, उसका उद्देश्य यही था कि नॉर्थ ईस्ट में, पहाड़ी क्षेत्र में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में स्वाभाविक रूप से जितना ध्यान देना चाहिए उतना नहीं दिया जाता, और इसलिए उस क्षेत्र का विकास करने के लिए एनएचआई डीसीएल की स्थापना हुई। एनएचआई डीसीएल के पास अभी करीब 2,16,000 करोड़ रुपए के काम अभी लगभग एनएचआई डीसीएल को दिए गए हैं। एनएच की जो लेंथ है एनएचआई डीसीएल के पास अभी, वो 4,667 किलोमीटर है। ये जो कीमत ज्यादा, इसका कारण विशेष रूप से ब्रह्मपुत्रा पर जो ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, बाकी भी नदियों पर बनाए जा रहे हैं, उसकी कीमत ज्यादा है। जो सिविल वर्क अभी प्रोग्रेस में है, वो करीब 2,475 किलोमीटर चल रहा है, और कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीटेड हुआ है वो 1,320 किलोमीटर है। डीपीआर जो अंडर प्रिपरेशन है वो 9,103 किलोमीटर है, और भारतमाला में जो लेंथ और एडिशनल मिली है वो 4,897 किलोमीटर है। प्रोजेक्ट जो अवार्ड किए एनएचआई डीसीएल ने 5 साल में, वो 3,861 किलोमीटर है, और पर डे रोड कंस्ट्रक्शन जो है वो ईयरली 2 किलोमीटर पर डे है। आज का दिन अच्छा बोलने का है, इसलिए मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा कि जो आज के दिन कहना चाहिए, क्योंकि आज आप सबके लिए वो खुशी का दिन है। पर मुझे इस बात की खुशी है कि एनएचआई डीसीएल को बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, और नॉर्थ ईस्ट में काम करते समय बहुत से दिक्कतों को भी सामना करना पड़ता है। कल जब मैं पार्लियामेंट में था, तो मैंने स्वाभाविक रूप से एक बात कही थी कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। तो समस्या जो है उसका रूपांतर अवसरों में करना ही लीडरशिप का नाम होता है, और यह करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है पॉजिटिव अप्रोच। पॉजिटिव अप्रोच अगर होगा तो हम लोग समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। मैं बहुत बार कहता हूं कि डोंट ब्रेक द लॉ बट बेंड द लॉ अप टू द लास्ट ब्रेकिंग पॉइंट, ताकि हम लोग समस्या का समाधान ढूंढें। कहीं ना कहीं ये बात बहुत नेचुरल है कि नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इन्फिनिटी, यू कैन नॉट कैच योर ओन इमेज, और इसलिए परफेक्शन 100% आना ये बहुत कठिन है। पर इसका मतलब उसके लिए कोशिश नहीं करना ये ठीक नहीं है। तो उसमें स्वाभाविक रूप से समय समय पर जो लोग भूतकाल में जो कार्य किया है उसका अगर आत्मपरीक्षण करते हैं, तो भविष्य में काम करने के लिए अच्छी दिशा भी मिलती है और अनुभव से अच्छी विजन भी मिलती है।
NHIDCL के बारे में बहुत अच्छी बात है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि शुरुआत में वो अच्छी नहीं लगती, पर बाद में वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए मिलती है। और मैं ये जो हमारे ट्रांसपोर्ट भवन में जो पार्किंग प्लाजा बना, ये जैसे इसका विषय निकालता था तो NHIDCL के सब लोग बेचारे बड़े दुखी होते थे, क्योंकि किसी को ये करने की इच्छा पॉजिटिव नहीं थी, क्योंकि वो पहला ही काम था। पर मैं जबरदस्ती लगा कर पीछे पड़ता था। और ये अनंत कुमार जो थे पहले, तब से ये काम शुरू हुआ, ये काम के लिए परमिशन लेते लेते बहुत तकलीफें उठानी पड़ी, कितनी कमिटी के पास जाना पड़ा। शायद मुझे लगता है कि मैंने उस समय, वेंकैया जी अर्बन मिनिस्टर थे, तो मैंने कहा मैं किताब लिखूंगा इसके ऊपर, कितने बार कितने लोगों ने झटके दिए, पर वो आखिर मंजूर हुआ। और ये काम जो था, ये इसमें किसी को दम नहीं लगता था, कहाँ से मिनिस्टर पीछे लगते हैं रोज हमारे, और कहाँ से ये कैसे करना, यही भाव लगभग सबके मन में था। पर ये काम पूरा करने के बाद, 7 मंजिलों का पार्किंग प्लाजा पूरा करने के बाद, आज NHIDCL की इसके ऊपर मास्टरी हो गई, और आप केरल की तरफ से और मुझे लगता है अन्य राज्यों की तरफ से कितने प्रोजेक्ट हैं, 12 राज्यों से बिजनेस मिल रहा है, और पार्किंग प्लाजा उनको करने के लिए आज ऑर्डर मिल रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ये नई नई कल्पना के साथ इसकी सक्सेस स्टोरी बन रही है। पर सरकार में आउट ऑफ बॉक्स सोचना या काम करना, ये जैसा बर्ताव है कि कानून से उसको मनाई किया गया है, ऐसा ही एटीट्यूड सबका होता है। इसके लिए कोई सरकारी अधिकारी दोषी नहीं है, क्योंकि अच्छा नहीं किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर गलती हुई तो जरूर सजा होती है, क्योंकि इंक्वायरी लगती है, तो इसलिए न करना ही अच्छा है, ये भाव बहुसंख्यक लोगों के मन में रहता है, पर आप लोग उनमें से नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से वो काम करने के लिए बहुत कठिनाई भी आती है। मैं MD जी और उनके अधिकारियों को कहूंगा कि NHI की स्टोरी आप देखिए। अब NHI एक पावरफुल अथॉरिटी बनी है, और मैं जब मीडिया के सामने करोड़ों में बात करता हूं तो लोग भी मेरे तरफ देखते हैं कि पैसा कहां से आता है। तो NHI में अभी 2 दिन पहले हमारे यहाँ LIC के चेयरमैन आए थे, सेक्रेटरी और ये थे, तो मैंने झट उनको कहा कि 1 साल 25,000 करोड़, तो 5 साल में 1,25,000 करोड़ दे दो, एग्रीमेंट कर लो। फिर मैंने स्टेट बैंक के चेयरमैन को एक दिन फोन उठाया, मेरे मन में एक मॉडल तैयार हुआ, और मैंने कहा मैं 50 प्रोजेक्ट आपको भेजता हूँ, मुझे 50,000 करोड़ आप दे दो। तो उन्होंने कहा मैं दे देता हूँ। तो NHI का रेटिंग AAA है, और मार्केट में क्रेडिबिलिटी ये सबसे बड़ा कैपिटल है। द क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता और ऑनेस्टी, ये रिसोर्सेस, टेक्नोलॉजी इससे भी महत्वपूर्ण कैपिटल के रूप में काम करती है। तो आज NHI को पैसा खड़ा करने की कोई अड़चन नहीं है, और इसलिए अनेक जगह पैसा खड़े करने के अनेक इंस्ट्रूमेंट है। और इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि जब मैं कहीं ना कहीं, हम लोग बैठते हैं आज, सेक्रेटरी मैं और DG बैठे थे, और हम लोग सोच रहे थे कि हमारे पास जो स्टेट को देते पैसा कम है, तो मुझे उन्होंने कहा कि हमारे NHI को पैसे देने हैं। तो मैंने तुरंत कहा कि जो 2-lane पेव शोल्डर रोड है, जिस पर हम टोल कमा मिलाते हैं, वो हमने NHI को ट्रांसफर किए हैं। बोले हाँ, तो ये तो फुकट में ट्रांसफर हुआ एसेट 0 कीमत पर। अब ये तो आज तक NHI ने इसको तो मोनिटाइज नहीं किया। तो कल ही LIC के चेयरमैन आए थे, और उन्होंने मेरे सामने कबूल किया कि 30 साल के लिए आपके एसेट को हम लोग मॉर्गेज करेंगे और मोनिटाइज करके देंगे, और प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर आपको पैसा देंगे। तो आप ऐसा करिए कि ये NHI के कहीं ना कहीं पड़े हुए 50 साल प्रोजेक्ट ढूंढो और LIC को मॉर्गेज कर दो, ताकि LIC 10-12 हजार करोड़ रुपये तुरंत दे देगी 30 साल के लिए, और वो पैसा NHI को, जो हमारा प्रोग्राम है उसमें उनको लगता है पिछले साल उन्होंने वो पैसा दो, और बाकी का पैसा
हमारे स्टेट में काम करने के लिए एडिशनल जोड़ दो और ये बजट 5-6 हजार करोड़ से बढ़ा दो। तो मैं तो कभी भी अलाउ करता हूँ कि आइदर यू कन्विंस मी और कन्विंस बाय मी। तो मैं उनको कहा आपको मेरी बात पटती नहीं तो मुझे बताइए। तो सेक्रेटरी और हमारे सभी लोग कोई इसके ऊपर मुझे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सके, इसका मतलब उनको बात कन्विंस हो गई कि ये हो सकता है। तो मैं हर बार ये कहता हूँ कि पैसों की कमी नहीं है, रिसोर्सेस की कमी नहीं है। और ये मुझे जब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था तब तो परिस्थितियाँ बहुत खराब थी और मैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे और वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट और 55 उड्डान पुल की योजना ली थी और मेरा बजट 1500 करोड़ का था और ये सब काम 8-10 हजार करोड़ के थे। लोग मुझे पूछते थे पैसे कहाँ से आएंगे, मैं 95-96 की बात कर रहा हूँ। तो पत्रकार मुझे कहते थे कि ये कुछ भी बात बोल रहे हो, कहाँ से होगा, ये आपके पास क्या है। तो फिल्म में अमिताभ बच्चन का डायलॉग मुझे याद था कि मेरे पास माँ है। तो मैं उनको यही कहता था कि मुझे पैसा नहीं है मेरे पास, पर मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा, इफ देर इज ए व्हील देर इज ए वे, एंड इफ देर इज नो व्हील देर इज ओनली सर्वे डिस्कशन सेमिनार कमेटी सब कमेटी एंड रिसर्च ग्रुप। आज का आपका सेमिनार ऐसा नहीं होगा। अब मेरी भी आदत खराब है, मैं तुरंत पूछता हूँ कि इतने सेमिनार होने के बाद इतनी नई आइडिया आई, नई टेक्नोलॉजी आई, कितने बातों पर इम्प्लीमेंटेशन हुआ। तो उसका जवाब लगभग जीरो ही होता है। क्योंकि आपका दोष नहीं होता, दोष मेरा है, हमारा है। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए उसको पहले पानी में जब तैरना सीखते हैं तो उसको ढकलना ही पड़ता है, और हम जब लोग आपको जब तक ढकलेंगे नहीं तब तक आप कैसे सीखोगे। और इसलिए मैंने अभी 2-4 दिन के बाद, मैं भी 5 साल के बाद थोड़ा थोड़ा सरकार को समझ रहा हूँ, तो मैंने कहा ये टोल प्लाजा जो है इसके ऊपर हमारा फास्ट ट्रैक है, ये होता ही नहीं। 5 साल तो खूब ज्ञानार्जन हुआ क्योंकि अधिकारी बदलते गए, नए नए फंडे देते रहे, काम तो हुआ नहीं, पर गालियां खाने का तो मेरे को ही पड़ती है क्योंकि आए हुए एमपी सब जो लगाते क्यू में वो मुझे बोलते हैं कि कब ये दूर होगा। तो मैंने कहा अब एक काम करो कि अब ये मैं तो लोकसभा में घोषणा कर दूंगा कि 3 महीने के अंदर मैं तो 6 महीने सोच रहा था, 4 महीने 3 महीने में बात कर रहा था। तो मैंने कहा ये कोई मैंडेटरी, इसके बाद विदाउट फास्ट ट्रैक कूपन कोई जा नहीं सकेगा, इसकी घोषणा कर दो, इसको मैंडेटरी कर दो। जैसे हमने ये घोषणा कर दी वैसे स्टॉक मार्केट में टोल कंपनियों की कीमत बढ़ गई, क्योंकि अब टोल जो है वो कलेक्ट होगा। तो मेरा यही कहना है कि कुछ बातें जो है जिसके लिए NHIDCL लीडरशिप ले। पहली बात जो है कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना, आज आपने जो बात कही है, थोड़ी सी रिक्वेस्ट मैं करूंगा। अब कोई भी भाषा को, कोई भी तय करने वाले स्थिति को, हम ये करेंगे वाली बात को एक छोटी सी बात को जोड़ दो, उसका नाम है टाइम क्लॉथ है। ये काम हम करेंगे, जैसे आपने ब्रिजेस की बात कही है कि स्टील ब्रिजेस जोड़कर हम लोग 2 महीने में ब्रिज बना देंगे, बिल्कुल अच्छी बात कही। वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी अमेरिका में है, फ्रांस में है, मिलिट्री इंजीनियरिंग का भी उपयोग किया जा सकता है और आप ज्वाइंट वेंचर भी कर सकते हैं। तो आप हर बात को जोड़ दो कि आने वाले 3 महीने में हम सब छोटे ब्रिजेस के लिए टेक्नोलॉजी का अमल किसी भी हालत में होगा, तो नेचुरली एक ऑर्डर भी निकाल दो ताकि इसके बाद सबको पता चलेगा कि हम लोग इसका उपयोग करें। जो बड़े ब्रिज बन रहे हैं, अभी हमने मलेशिया में अपनी टीम को भेजा था और मुंबई IIT के प्रमुख थे, और एक एक ब्रिज की कॉस्ट 30% बचती है। 2 पिलर के बीच में जो बीम है वो उन्होंने स्टील फाइबर यूज किया तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई और उसमें बीच में खड़े करने की जरूरत नहीं है, तो 100 मीटर तक आगे भी जा सकते हैं। अगर रेलवे ब्रिज बनाने के लिए और NHIDCL और स्टेट पब्लिसिटी अगर इसको यूज करेगी तो देश के करोड़ों रुपए बच सकते हैं। तो फिर ये बातों को इस बार डिपार्टमेंट में सबने चर्चा करने के बाद उनकी टीम भेजी गई, उनने स्वीकार किया, फिर ठप्पा लगा
और वो अभी सबको दिया गया है कि इसी प्रकार का डिज़ाइन हो। आज मुझे ध्यान में आया, पांडे जी ने, डीजी जो है हमारे, उन्होंने मुझे बताया कि ये जो अच्छी अच्छी बातें हम लोग करते हैं, ये करने में जो अड़चन है, दिक्कत है, क्योंकि डीपीआर वाले जो है वो पुराने हिसाब से डीपीआर बनाते हैं, और फिर डीपीआर बनाने के बाद नई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर की सेविंग होता है, तो फिर ऑब्जेक्शन आता है। तो ऑब्जेक्शन आने के बजाय ज्यादा खर्चा हुआ तो चलेगा, पर सेविंग नहीं होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्टर को नहीं मिलना चाहिए, ऐसी मानसिकता होती है, और इसके कारण नई टेक्नोलॉजी का अमल नहीं होता। तो मैंने उनको कहा, अगर टेक्नोलॉजी एक बार अगर अमल होती है नई, जो कॉस्ट सेविंग है, तो फ्यूचर में उसको कॉम्पिटिशन में सभी लोग यूज करेंगे तो कॉस्ट कम हो जाएगी, तो पहली बार यूज करेगा उसको ले दो फायदा। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ एग्रीगेट, अभी आज मुझे बताया कि झारखंड से लेकर त्रिपुरा ले जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से तो काम नहीं चलेगा। तो मैंने आज ही सेक्रेटरी को कहा कि आप एक करो कि 20 किलोमीटर के ऊपर अगर एग्रीगेट होगा तो सॉइल स्टेबिलाइजेशन ये मैंडेटरी करना ही होगा, ताकि आप इसमें कॉस्ट बच सकती है। और मैं मानता हूं कि पैटर्न डिजाइन अगर बनाएंगे, सॉइल स्टेबिलाइजिंग उसका काम ठीक से होगा, और कॉन्ट्रैक्टर उसकी डिफेक्ट लायबिलिटी की गारंटी भी देता है, तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की कीमत कम हो सकती है, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इम्प्रूव हो सकता है। अभी भी कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे कभी कभी ध्यान में आती है कि मैं एक बार महाराष्ट्र में मंत्री था, तो हमको कोई भी मेहमान आता था उस समय 95 में, तो उसके लिए 40 पैसे खर्चा करने का अधिकार था। तो एक चार बिस्किट मिलते थे एक प्लास्टिक के डिश में, एक शक्कर लगा हुआ बिस्किट आता है, एक खारा बिस्किट और पार्ले का बिस्किट और एक क्रीम बिस्किट था, और एक आधा चाय आता था। तो मैंने एक बार पूछा कि ये इसी में क्यों लाते हो, तो बोले सरकार का जीआर है कि आए हुए व्यक्ति की ओर 40 पैसे खर्चा होगा। तो मैंने मजाक में हमारे मुख्यमंत्री को और चीफ सेक्रेटरी को कहा कि हमारे क्या कुत्ते आते हैं क्या, तो मैंने आपको चार बिस्किट का दिया ये। तो उनको ध्यान में आया, बोले आप ऐसा क्यों कह रहे हो, मैंने बोला ये ऑर्डर है। और फिर मैंने उन्हीं के सामने मेरे पीएस को बुलाकर कहा कि हमारी सरकार बहुत गरीब है, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, पर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, ये 200 रुपये लो और अच्छी कब्बशी और अच्छे ट्रे आप खरीद लो, और मेरे नाम से स्पॉन्सर किया करके एक पार्टी भी लगा दो, ताकि सरकार की हालत खराब है इसलिए मंत्री ने अपने पैसे से लाया, तो लिख दो। तो हमारे चीफ सेक्रेटरी बड़े ये हो गए, शर्मिंदा हो गए, और उन्होंने चीफ मिनिस्टर को कहा कि गडकरी जी जो मजाक ले रही है बिल्कुल सही है, मैं तुरंत इस ऑर्डर को रेक्टिफाई करूंगा। तो सरकार में कुछ पुराने बातें, और प्रधानमंत्री हमको बार बार कहते कि आपने अपने डिपार्टमेंट के कितने पुराने बिलों को खत्म किया है, कितने ऑर्डर को कैंसिल किया है। तो मुझे आज भी, हम हर बार कैबिनेट में हम सबको पूछते हैं, तो ये बाबा आजम जमाने के जो आउटडेटेड ऑर्डर है, जो समय के साथ बदलने चाहिए, उसको दूर करना चाहिए। और कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सी आइडिया निकल सकती है कि जिसमें अभी महाराष्ट्र में हमारे यहाँ काम हुआ कि एग्रीगेट के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को मैंने अनुरोध किया था कि NHI के रोड के बीच में जो नदी और नाले आते हैं उसका हम खोलीकरण और रुंदीकरण करेंगे, ड्रेजिंग करेंगे, ताकि वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और हमारे यहाँ बहुत पानी की दिक्कत है। और इस बार इतनी बॉडी NHI के कारण हुई और इतना बड़ा काम हुआ कि वो मराठी में आता है टीवी पर और पेपर में इसलिए शायद यहाँ नहीं आया, और इतनी लोगों ने तारीफ की और गाँव वालों ने दुआएं दी कि करोड़ों लीटर पानी स्टोरेज हो गया, तालाब बन गए और सबको पीने के लिए पानी मिलेगा और एक रुपए का खर्चा नहीं, सब खुश हो गए। NHI को जो 50 किलोमीटर से एग्रीगेट लाना था वो रोड के आजू बाजू मिल गया, और एग्रीगेट फुकट में मिल गया तो उनके पैसे बच गए। जो गांव को पानी नहीं मिलता था मार्च अप्रैल मई में तड़पते थे, वहाँ टैंकर लगाने पड़ते थे, वहाँ वाटर कंजर्वेशन हुआ, वाटर लेवल ऊपर आ गई, तो गांव वालों को पानी मिला और सरकार के टैंकर के पैसे बच गए। और दूसरी तरफ जो वाटर स्टोरेज मिलने के कारण पीने के पानी के साथ किसानों को, जो लातूर में रेलवे से पानी लिया गया था, वहाँ 3 ब्रिज कम बंधारे बने और ये काम हुआ है, अब वहाँ कभी जिंदगी भर ट्रेन से पानी लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो एक रुपया किसी का खर्चा नहीं हुआ, सब फायदे में है। तो ऐसी बहुत सी बातें जो है, उसमें दो बातें मेरे ध्यान में आई, थोड़ी देरी से आई,
पर एक बात इसमें जो मैंने आज बढ़ा है, इसमें एक बात इम्पॉर्टेंट है, अब आप पैसा कमाइए। अभी NHIDCL को आश्चर्य लगा कि मुझे लगा कि ये पैसा बैज मिला और प्रॉफिट कहाँ से हुआ, क्योंकि ये इन्होंने कुछ तो किया नहीं, आया कहाँ से प्रॉफिट। तब मुझे सीक्रेट पता चला कि भारत सरकार से डिपार्टमेंट से जो पैसा मिलता है, ये जो बैंक में डिपॉजिट रखते हैं उस बैच के ऊपर प्रॉफिट मिला। सीना साहब, बैच पर केवल रिटायर्ड लोग जीते हैं, जवान लोग नहीं जीते। एजेंसी चार्ज, हाँ एजेंसी चार्ज भी मिला और बैच भी मिला, तो ये कोई इनकम नहीं है। अब NHI आपका बड़ा भाई और आप छोटे भाई है, तो NHI ने जैसा अपना इनकम कमाकर AAA रेटिंग करा है, वैसे NHIDCL को फाइनेंशियली स्ट्रांग करना होगा। और इसलिए दो बातें आप करिए, पहला ये तो ये बस पोर्ट के काम, आप ये सब जगह हर शहर में प्राइम जगह पर है। अभी एयरपोर्ट जैसे बन रहे हैं वो फायदे में है कि एयरपोर्ट के अंदर शॉप्स है, होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, एयर कंडीशनिंग है। आजकल वो पॉइंट दबाने के लिए वो थाईलैंड से वो भी लड़कियां आती, वो भी फुल चलता है, सब धंधे तेजी में चल रहे हैं। तो आप ऐसे बस पोर्ट डिजाइन करिए जो प्राइम लैंड स्टेट गवर्नमेंट की है, और उनके पास अभी तक विजन पहुंची नहीं है। जैसे आपको ये पार्किंग प्लाजा की टेक्नोलॉजी मिल गई, तो आप कम से कम 2-4 हजार बनाएंगे तो उसके ऊपर आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा। और राज्य सरकार को कहिए जगह उनकी कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट आपकी 15% 50% उनका, 50% हमारा, तो दोनों में प्रॉफिट मिल जाएगा, तो आपको इससे प्रॉफिट मिलेगा। और दूसरा जो है, हमारे यहाँ 3 साल से NHI में हमने रोड साइड एम्यूनिटीज बनाने की बात की। हर बार मेंबर बदलते गए, दो नए नए बातें बताते गए, एक भी टेंडर में नहीं आया कोई। एक दिन मैं सोच रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो वायबल नहीं था। तो मैंने हमारे एक अच्छे आर्किटेक्ट को कहा कि भाई तुम एक डिज़ाइन बनाओ। मैंने UK में देखा कि रोड के दोनों बाजू में एक 10-10 एकड़ जगह, और उसके नीचे में ग्लास की पूरी बिल्डिंग होगी, और रोड के बीच में एक 30,000-40,000 फुट की जगह होगी जो ग्लास से लोग दोनों बाजू का ट्रैफिक देख सकेंगे, और एक लैंडस्केपिंग भी होगा, इधर फूड मॉल भी होगा, 40-50 दुकानें भी होंगी, पार्किंग भी होगा, टॉयलेट्स भी होंगे, और इधर के लोग उधर के और इधर के दोनों लोग ऊपर में आएंगे खाना खाने के लिए, तो वायबिलिटी बढ़ जाएगी। और उसमें पेट्रोल पंप के लिए जगह रिजर्व करो। अब पेट्रोल पंप के लिए रिजर्व करो तो हमारे यहाँ भी ये है, हमारे यहाँ पहले कहा कि हम इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम को भी पेट्रोल पंप देंगे, तो पहला ये निकला कि पुकट में जगह दो और वो करो, बड़े खुश हो गए। मैंने बोला इनको क्यों दे रहे आप, बोला इनको नहीं देना। अभी दिल्ली मुंबई हाईवे के तरह हम लोग 150 एक तरफ और 150 एक तरफ ऐसे जो हम लोग रोड साइड में बना, उसमें जगह रिजर्व की कि 60,000 स्क्वायर फुट जगह पेट्रोल पंप के लिए और 40,000 स्क्वायर फुट जगह इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के लिए रिजर्व रखी है। बोला ये जगह आपकी, आप टेंडर निकालिए कि जो पेट्रोल पंप डालेगा पेट्रोल पंप उसका होगा, मशीन उसकी होगी, चलाएगा हो, पर लीटर डीजल पेट्रोल पर हमको कितना कमीशन देगा इसके ऊपर हम पेट्रोल पंप देंगे, जगह हमारी बाकी उसका। तो अब इशार वाले मेरे पास आ गए कि हम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। मैंने कहा डीजल पेट्रोल पे कमीशन कितना दोगे, बोले 1.5 रुपया और 2 रुपया। बोला ऐसा नहीं जमता, हमारा टेंडर निकलेगा, जो ज्यादा कमीशन देगा उसको देंगे। अब पेट्रोल और डीजल ही बेचना शुरू कर दिया है NHIDCL, हमने अपन कुछ नहीं करना है, वो कंप्यूटराइज सिस्टम है, और हमारे 5-1 हजार 10 हजार पेट्रोल पंप हो जाएंगे। तो पेट्रोल डीजल बेचने से हमारे किटी में आराम से 1,000-1,500-2,000 करोड़ आ जाएंगे, हमारा इनकम हो जाएगा। तो पेट्रोल और डीजल जो रोड पे जा रहा है उसके पैसे आएंगे, अच्छा टॉयलेट बनाएंगे तो उसकी भी 5 रुपये फी लगाएंगे लोग देते हैं, और वो 5 रुपये लगेगा तो 3 रुपये जो भी लैट्रिन जाएगा उसका पैसे की भी कमाई होगी। तो हर चीज की कमाई हो सकती है, जो दे सकता है उससे लेना चाहिए, और जो गरीब है उसको फुकट में देना चाहिए। फिर टोल अपने को लेना पड़ेगा, मेरी बात हुई है, नॉर्थ ईस्ट में भी हम इतने अच्छे रोड बना रहे हैं, हम ट्रक ट्रेलर बस इससे हम लोग टोल लेते हैं। और अभी मैंने आसाम के मंत्री जी से बात की, उन्होंने कहा आप रोड अच्छा बनाइए मैं टोल शुरू कर दूंगा, तो बिल्कुल मैं आपकी मदद करूंगा, आप टोल जो नए रोड बना रहे उसमें शुरू करिए, पर रोड अच्छा होना चाहिए। तो टोल का इनकम आपका जो है वो अगर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा
तो एनएचआई के साथ साथ आपका भी मार्केट में रेटिंग बढ़ेगा। और इसलिए अब एनएचआई डीसीएल को सरकारी पैसे पर चलने वाली कारपोरेशन नहीं, तो सरकार के पैसे को इक्विटी के रूप में यूज करके लैंड एक्विजिशन के लिए उसका उपयोग करिए और बाकी इनकम सोर्सेस को बढ़ाकर जो इनकम बढ़ाने का आप काम करेंगे। और फिर मैं जब इनकम चालू हो जाएगा तो हम उसको 30 साल के लिए मोनेटाइज कर देंगे, तो उसके कारण और रोड बेच के पैसे मिलेंगे, फिर वो पैसे और रोड में डालेंगे, एक रोड को पूरा करके दूसरे को बेचेंगे, इसको बेच के दूसरा बनाएंगे। तो एनएचआई में जैसा हुआ वैसे आपके लिए ये करने की मुझे लगता है बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हो जाएगी। और एक बात मुझे लगती है कि जिसमें भी आप सीरियसली करिए कि हमारे जो ब्रिज के डिजाइन बने हैं वो 100-125 टन के हिसाब से बनते हैं डिजाइन, शायद 100 या 125 टन के। तो जनरल साहब हमारे मंत्री बने हैं तो इनको पूछ लीजिए कि सबसे बड़ा रनगाड़ा जाएगा उसका वजन कितना है। मेरे हिसाब से इसका वजन भी 60 टन के ऊपर कोई नहीं है। तो आप 60 टन का डिजाइन करिए, फिर जो मैंने कहा मलेशियन टेक्नोलॉजी और दोनों यूज करेंगे तो 40-50 टक्के कॉस्ट कम होगी। लैंड और बाकी सब अगर हमको इससे मिलेगी रॉयल्टी फ्री तो उससे पैसा बचेगा एग्रीगेट का, तो कॉस्ट ऑफ और दूसरा जो आपका इनाम करके जो है तो इनाम प्रो, तो ये पहले बार जाजू करके अधिकारी थे उन्होंने इंटरेस्ट लिया। अब इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, ये सीमेंट कंपनी हमारे मजबूरी का फायदा उठा रही है, स्टील सीमेंट, इसके लिए हमको मार्केटिंग करना चाहिए। और हम लोग हमारे इससे भी काफ़ी बड़ा, अभी मैं अपने एमएसएमई डिपार्टमेंट में मैंने कल ही प्रेजेंटेशन लिया, अलीबाबा और अमेज़न, ये दो का मैंने पूरा देखा। और पूरा देखने के बाद मैंने अपने सेक्रेटरी को पूछा कि एमएसएमई का अगर हम लोग हमारी साइट खोलेंगे तो कितना होगा, तो उन्होंने कहा कम से कम 2 साल में हम 5 लाख करोड़ का व्यवहार करेंगे। मैं बोला 5 लाख नहीं, 20 लाख करोड़ का करेंगे। और इससे जो इनकम मिलेगा वो आप सरकार में एग्रीमेंट मत करो, जो स्पेशल व्हीकल कॉमर्स मिनिस्ट्री में जो हमारा जेम साइट है उसका हमारे नेशनल स्मॉल केंद्र में बाहर के बाहर करो और इससे इनकम कमाओ। हर साल आपको 5,000, 6,000, 10,000 करोड़ मिलना चाहिए, वो पैसा आप मदद के लिए लोगों को दो। तो सरकार ये केवल चैरिटी नहीं है, सरकार ये बिजनेस भी नहीं है। सरकार में गरीब के लिए अगर पैसा है तो जहां मिल सकता है वहां जनरेट करके करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब एनएचआई डीसेल आज 5 साल के बाद निश्चित रूप से आगे चलकर रेवेन्यू रिसिप्ट कैसे बढ़ेगी और ये प्रॉफिट जो है ये कैसे आगे बढ़ेगा, ये निश्चित रूप से इसमें काम करें। बस पोर्ट और हमारे जो पार्किंग प्लाजाज हैं ये दो में आज आपकी मोनोपोली हो जाएगी तो कम से कम इसके खूब प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे। ये प्रोजेक्ट मिलाने के लिए भी कोशिश करनी चाहिए और ये अगर मिलेंगे तो इसके कारण आपको प्रॉफिट भी मिलेगा और वो प्रॉफिट जो है वो आपको एक प्रॉफिट दूसरे काम में इन्वेस्ट करने के अवसर मिलेगा जिससे फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो निश्चित रूप से एनएचआई डीसीएल अब एक अच्छे मजबूत बेस पर खड़ा है और इसलिए इसको प्रोफेशनल विजन देना और इसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करना और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना, रोड अच्छे बनाना, इसके लिए भी सोचना होगा। टू सेव मनी इज टू अर्न मनी। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि रोड के मेंटेनेंस में जो पैसा खर्चा होता है उसमें कॉन्ट्रैक्टर और बाकी जो अधिकारी होती है वो बहुत खुश होते हैं, लोगों को कोई उसका फायदा नहीं होता। और इसलिए ये मेंटेनेंस और रिपेयर के बारे में भी मैंने कहा है कि इसकी स्कीम बनाओ, ये पैसा कम खर्चा होना चाहिए, इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मैं बहुत बार कहता हूँ कि फाइनेंशियल ऑडिट नहीं हुआ तो चलेगा पर परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए और परफॉर्मेंस ऑडिट के बिना क्वालिटेटिव रिफॉर्म नहीं होगा। द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द वर्ल्ड जो कॉस्ट सेविंग के हैं उसको एक्सेप्ट करके टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना और रेवेन्यू रिसिप्ट को अलग अलग माध्यमों से मजबूत करना, ये अगर आने वाले समय में होगा तो मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से ये प्रगति होगी और एक अच्छी संस्था करके इसका रेटिंग होगा। जनरल साहब हमारे राज्य मंत्री हैं, अरुणाचल में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करना है और 900 किलो ट्रांस कौन सा हाईवे है, ट्रांस अरुणाचल हाईवे, वहाँ ट्रैफिक बहुत कम है,
किरण रिजू मुझे बहुत पीछे पड़ते हैं। सर मेरा कहना है कि 50 लाख रुपए किलोमीटर का टू लेन का रोड सॉइल स्टेबिलाइज टेक्नोलॉजी और मशीन को यूज करके, वही मशीन रोलर का काम करती है, वही मशीन खोदने का काम करती है, और एक टैंकर लगाकर सॉइल जो निकलेगी उसमें पानी डालकर केमिकल, वो हम उसको अगर उसी टेक्नोलॉजी में बनाएंगे तो कॉस्ट सेविंग बहुत होगा। और अरुणा जो स्टैंडर्ड्स हमने हमारे मिनिस्ट्री ने ये जो 1 लाख इश्यूज का ट्रैफिक है उसके लिए रखे 4 लेन 6 लेन के लिए, वो नॉर्थ ईस्ट में रखने की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ ट्रैफिक डेंसिटी बहुत कम है, तो इतना हेवी डिजाइन क्यों आता है। और ये DPR वाले जो है इसके ऊपर भी धीरे धीरे उनका भी आप थोड़ा सा प्रबोधन करिए, नहीं तो इनके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई करिए, ये सबसे पहले गलतियां करके करते। और हमारे PD जो है वो DPR चेक नहीं करते। DPR के बाद आप लोगों ने उस DPR को लेकर हाईवे पे चलना चाहिए, अलाइनमेंट पे चलना चाहिए, तो आपको उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स गलतियां क्या हुई वो ध्यान में आएगी। जब टेंडर निकालकर अपॉइंटमेंट डेट मिलती है तो काम करते समय आप गलतियां सामने आती है, फिर उसमें हमारा नुकसान होता है, स्कोप ऑफ वर्क भी बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छे कॉन्क्रीट बेस पर NHIDCL आगे जा रही है। आज 5वां स्थापना समारोह है, जब हम आगे के स्थापना समारोह में आएंगे तो हमारा इनकम, हमारे नए इनोवेशंस, नया जो कुछ योजनाएं हैं वो भी आगे इम्प्लीमेंट होगी। और निश्चित रूप से NHI को जिस प्रकार का गुडविल मिला है, जिस प्रकार की पूरे वर्ल्ड मार्केट में NHI की तारीफ हुई है, मुझे इतनी खुशी हुई है कि हॉवर्ड यूनिवर्सिटी ने मुझे PPP मॉडल पर लेक्चर देने के लिए अमेरिका में बुलाया। पर दैट इज नॉट ओनली माय सक्सेस, मैं बहुत बार कहता हूँ कि नाम भले मंत्री को कभी कभी गलतियों को भी सजा मिलती है और अच्छे काम की भी मिलती है, पर वो उसकी नहीं होती। मैं बहुत बार ये कहता हूँ कि जो मैथमेटिक्स का इक्वेशन बताता हूँ लोगों को कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वेयर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वेयर काम किया, तो टोटल वर्क इज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, बट वेन ए एंड बी कम्स टूगेदर, थिंक्स टूगेदर एंड वर्क्स टूगेदर, ए स्क्वेयर ए प्लस बी ब्रैकेट में स्क्वेयर, इसका जवाब आता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए बी, एंड दस ट्वाइस ए बी, ये जो है ये कलेक्टिव टीम स्पिरिट का सक्सेस है, आप सबका है। तो क्रेडिट भले हमको मिले, बट द सक्सेस स्टोरी जो है वो आप सबके सहयोग से है। और इसलिए मैं आखिर में अपनी एक ही बात रखूंगा, जो मुझे जल्दी पूरा कर दीजिए, 2 किलोमीटर पर डे रोड कंस्ट्रक्शन को अगले इसमें 7 किलोमीटर पर डे तक पहुंचाने का काम आप जरूर करिए, इतना टारगेट आप जरूर पूरा कर सकते हैं। अगर ये पूरा होगा तो 40 किलोमीटर पर डे जाने का टारगेट है, अभी जो 31 पे आया है, तो मुझे लगता है वो पूरा होने में मदद मिलेगी। मैं फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं शुभेच्छा देता हूँ, धन्यवाद। थैंक यू सर फॉर द वैल्यूएबल एंड इंस्पायरिंग वर्ड्स सर। Now may I request Mr. Nagendranath Sinha, MD NHIDCL, to please felicitate our honourable guest on dais, our honourable minister, Mr. Nitin Gadkari ji,